सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मेरा नाम है मोहित रूबल। पंजाब मेल खबरां दे विच तुहाडा स्वागत है। पंजाब च मुकम्मल बंद सफल, हुण 1 अक्तूबर तो अणमिथे समय लई रेल रोको का ऐलान। भिखी दे नौजवान जसवंत सिंह दी चीन बॉर्डर उत्ते हादसे विच हुई मौत, पिंड विच सोग दी लहर। हथियारां दे जोर उत्ते सुनियारे दी दुकान च करोड़ां दी डकैती, सीसीटीवी कैमरे विच कैद हुई वारदात। त्यौहार सीजन च मिल सकदा है दूजा आर्थिक पैकेज, शहर दे बेरोजगार लोकां नूं मिल सकदी है राहत। दीपिका पादुकोण तो एनसीबी दी पुछगिछ जारी, सारा अली खान अते श्रद्धा कपूर तो भी पुछे जाणगे सवाल। फ्रेंच ओपन लई दर्शकां दी गिणती हुण होर घटाई गई। यूक्रेन एयरफोर्स का जहाज हादसे का होया शिकार, 25 सैनिकों की मौत। कोरोना महामारी उत्ते यूएन च भिड़े चीन, रूस अते अमरीका। पेश ने हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब बंद तो बाद आगुआ ने ऐलान किया कि बंद के इस अंदोलन तो बाद 1 अक्तूबर तो इन्हां 31 किसान जथेबंदियों वालों अणमिथे समय लई समुचे पंजाब विच रेल रोको प्रोग्राम लागू किया जाएगा। आने वाले समय विच पंजाब अते समुचे भारत पद्धर ते बीजेपी नाल संबंधित सारे आगुआ का समाजिक बायकाट किया जाएगा अते हर थां ते इन्हां दा काले झंडिया नाल विरोध करते हुए इन्हां नूं समागमां विच बुलाउणा बंद किया जाएगा। पंजाब दीआं समुचियां किसान जथेबंदियां दे सद्दे उत्ते मोदी सरकार वल्लों पास किते किसान विरोधी ऑर्डिनेंसां जो हुण बिल बन चुके ने अते बिजली सोध बिल 2020 दे विरुद्ध दित्ते पंजाब बंद दे सद्दे नूं कल लागू करदिआं पंजाब भर विच मुकम्मल बंद रहा। कल दे बंद दा सद्दा जो पंजाब दीआं 31 किसान जथेबंदियां वल्लों दित्ता गया सी दी इह विशेषता रही कि पंजाब दीआं वख जमातां अते महकमे दीआं जथेबंदियां दे आगूआं अते वर्करां ने इकट्ठा विच वध चढ़ के हिस्सा लिया। सूबे भर तों इकट्ठियां कीतियां रिपोर्टां अनुसार सारे पंजाब विच सड़की अते रेली आवाजाई, बाजार, दफ्तर अते होर सारे अदारे बंद रहे। भिखी कस्बे दे वार्ड नंबर 8 दे फौजी जवान जसवंत सिंह दी अरुणाचल प्रदेश नाल लगदे चीन बॉर्डर डोमडिंग विखे एक सड़क हादसे विच मौत होण दी दुखदाई खबर मिली है। दस दईए जसवंत सिंह इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस विच 11 साल पहला भर्ती होया सी। पिछले साल तो उस बॉर्डर उत्ते तैनात सी अते महीने क पहला उह 3 महीने छुट्टी कट के ड्यूटी उत्ते गया सी। हुण उसने दोबारा छुट्टी ते आउणा सी। ड्यूटी करके वह अपनी बटालियन की गड्डी लैके वापस आ रहा सी। रस्ते विच हादसा वापर गया। गड्डी 250 फुट डूंगी खड्ड विच जा डिगी, जिस नाल जसवंत सिंह की मौके ते मौत हो गई। उसके दो साथी गंभीर रूप विच जख्मी हो गए, एक साथी लापता दसया जा रहा। कस्बे के अंदर फिलहाल सोग की लहर है। जसवंत सिंह पिछे अपनी पत्नी बेअंत कौर, दो बच्चे अमनदीप सिंह ते सद्दापी राणी ते विधवा मां नूं छड्ड गया। उसदी देह अवतार तक भिखी विखे पहुंचण दी संभावना है। वीरवार देर शाम गोनियाणा मंडी विखे सुनियारे दी दुकान च हुई करोड़ां रुपए दी लुट दे मामले विच पुलिस दे हत्थ हाले तक कोई सुराग नहीं लगा। लुटेरे सोने चांदी दे शोरूम विच पिस्तौल दी नोक ते 2.5 किलो सोना, 5 किलो चांदी अते 1.25 लाख रुपए दी नकदी लुट के लै गए। लुटे हुए समान दी कीमत करोड़ां रुपए दे बराबर दसी जा रही है। लुट दी वारदात शोरूम विच लगे सीसीटीवी कैमरिया विच कैद हो गई। घटना की सूचना मिलदी आई SSP बठिंडा भुपिंदरजीत सिंह विर्क समेत पुलिस के उच्च अधिकारियों ने मौके उत्ते पहुंच के घटना स्थान का मुआयना किया। पुलिस दुकान विच लगे हुए सीसीटीवी कैमरिया तो मिली फुटेज के आधार उत्ते दोषियों की भाल विच लगी हुई है। जानकारी अनुसार वीरवार देर शाम रात 8 बजे के करीब गोनियाणा मंडी के माल रोड उत्ते स्थित लक्की ज्वैलर्स के दुकान उत्ते एक चिट्टे रंग की ब्रेजा गड्डी आ के रुकी। गड्डी विचों 4 नौजवान उतर के शोरूम विच चले गए अते 2 नौजवान बाहर गड्डी कोल ही खड़े रहे। शोरूम विच दाखिल हुए 4 नौजवानों ने हथियारों की नोक उत्ते 2.5 किलो सोना, 5 किलो चांदी अते 1.25 लाख रुपए की नकदी लुट के मौके तो फरार हो गए। इस संबंधी लक्की ज्वैलर्स के मालक सुखविंदर सिंह ने दसिया कि उक्त नौजवानों ने आउंदे ही उसके पिता उत्ते पिस्तौल ताण दित्ती अते 5 मिंटां विच ही वारदात नूं अंजाम देण तों बाद मौके तों फरार हो गए। इस संबंधी पुलिस कप्तान भुपिंदर सिंह विर्क ने दसिया कि शोरूम के मालक की शिकायत ते अणपछाते नौजवानों खिलाफ परचा दर्ज किया गया।
पुलिस दीआं वख-वख टीमां बना के लुटेरियां दी भाल शुरू कर दित्ती गई है। इस तों इलावा कई होर पहलुआं ते भी जांच कीती जा रही है। उन्हां दस्सिया कि जल्दी इस वारदात दी गुत्थी नूं सुलझा लिया जाएगा। खबरां दा सिलसिला इसे तरह बनिया रहेगा। हुण वेला हो चुका है छोटी जी ब्रेक दा। पंजाब मेल यूएसए चैनल दा एक शानदार उपराला। पंजाब विच चल रहे मुद्दियां दी सार जानन लई, पंजाब दे माहौल दी हवा बारे तुहानू बाखबर करन लई, पंजाब मेल यूएसए चैनल दा रोजाना प्रोग्राम पंजाब चर्चा सिर्फ पंजाब मेल यूएसए चैनल ते। ब्रेक तो बाद एक बार फिर स्वागत है पंजाब मेल खबरां दे विच। त्योहारी सीजन विच मंग अते खपत नूं उत्साहित करन लई सरकार दूजा आर्थिक पैकेज दे सकदी है। इस संबंध विच वित्त मंत्रालय विच विचार चर्चा शुरू हो चुकी है। दूजे आर्थिक पैकेज तहत मुख्य रूप विच शहरी बेरोजगारां नूं ध्यान विच रख्या जाएगा। इन्हां नूं रोजगार देण लई मनरेगा दी तरीज ते कोई स्कीम लियांदी जा सकती है। इस स्कीम नूं लागू करन लई सरकार एक निश्चित फंड देवेगी। रोजगार के नाम से मिलने वाले इन्हां पैसों नूं खर्च करन नाल मंग अते खपत विच वाधा होवेगा। 21 लाख करोड़ के पहले आर्थिक पैकेज नाल पेंडू इलाकों की आर्थिक गतिविधि नूं पटड़ी ते लियाउण दी तैयारी की जा रही है। HUL वर्गी कंज्यूमर गुड्स कंपनियां भी इस गल नूं कह चुकियां ने कि शहरी खेत्र की खपत विच वाधा नहीं हो पा रहा। मुख आर्थिक सलाहकार भी कई बार जनतक रूप विच कह चुके ने कि कोरोना उत्ते काफी हद तक काबू पाउण तों बाद अते आर्थिक गतिविधियां नूं आम वांग होण तों दूजे आर्थिक पैकेज उत्ते जाणगे तां जो लोक खुल के खर्च कर सकन अते अर्थव्यवस्था नूं उसदा लाभ मिल सके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन कह चुकी है कि सरकार ने आर्थिक पैकेज नूं लैके अपना ऑप्शन बंद नहीं कीता। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत नाल जुड़े ड्रग मामले विच पुछगिछ लई अभिनेत्री दीपिका पादुकोण अज NCB दे दफ्तर पहुंच चुकी है। अज NCB उन्हां तों दिन विच पुछगिछ करेगी। इस मामले च बॉलीवुड दे कई वड्डे सितारियां दा नाम भी सामने आया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लगातार इस दी जांच विच लग्या होया है। ड्रग नाल जुड़े मामले विच बॉलीवुड दे कई सितारे जिवें कि दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, रकुलप्रीत सिंह दे नाम भी सामने आए ने। आज NCB इस मामले विच दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर तो पुछगिछ करेगी। फ्रेंच ओपन लई पहला तो तय घट दर्शकों की गिणती च होर कटौती कर दिती गई है। पैरिस च कोरोना वायरस के मामले लगातार वध रहे ने, जिस कारण एक दिन विच सिर्फ 1000 दर्शकों तक की गिणती सीमित कर दिती गई है। इस तो पहला फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स ने रोजाना 5000 दर्शकों लई मंजूरी दिती सी, पर उन्हां दे दफ्तर ने शुक्रवार नूं इस नूं घट करन दा ऐलान कीता। इस दा असर हालांकि खिडारियां, कोच ते सहयोगी मैंबरां तों इलावा स्टेडियम दे कर्मचारियां उत्ते नहीं पवेगा। टूर्नामेंट दे निर्देशक गाई फोरगेट ने शुक्रवार नूं कहा कि इह इक जोरदार झटका है। जिवें जिवें कोरोना दे मामले वध रहे ने, प्रबंधकां नूं वार वार अपने ऐलानां तों पिछे हटना पै रहा। कुछ ही हफ्ते पहला उन्हां ने रोजाना 11,500 दर्शकों की योजना बनाई सी। कुछ ही दिनों बाद इस नूं घट के 5,000 दर्शक रोजाना तक सीमित कर दिता गया ते हुण इस नूं होर भी घटा के 1,000 दर्शक रोजाना कर दिते ने। यूक्रेन विच एक हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे विच हुण तक 25 लोगों की मारे जाण की खबर मिली है। यह जहाज यूक्रेन की एयरफोर्स है। सूत्रां अनुसार इस हादसे विच मिलिट्री कैडेट समेत 25 लोग मारे गए ने। इस तों इलावा 2 लोगों के बहुत गंभीर जख्मी होने की खबर मिली है। यह हादसा यूक्रेन के पूर्वी हिस्से विच खारकिव खेतर विच वापरिया। यूक्रेन के एक मंत्री ने हादसे की पुष्टि की है। उपग्रह मंत्री एंटन गैरशोंको ने दसिया कि 2 लोग लापता हैं जिन्हों की भाल जारी है। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट जहाज विच 28 लोग सवार सन, जिन्हां विचों 21 फौजी स्टूडेंट सन, जबकि 7 जहाज के चालक दल के मैंबर सन। मंत्री ने कहा कि हादसे के कारणों का अजे पता नहीं चलिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वलादिमीर ज़ेलेनस्की ने कहा कि वह अज हादसे के खेत्र का दौरा करेंगे।
राष्ट्रपति ने फेसबुक उत्ते लिखिया है कि असी दुकान दे सारे हालातां अते कारणां दी जांच लई तुरंत एक कमिशन स्थापित कर रहे हैं। दुनिया च करोना महामारी दी जिम्मेवारी दे मसले ते वीरवार नूं चीन, रूस अते अमरीका संयुक्त राष्ट्र विच भिड़ गए, जबकि दो दिन पहला ही संयुक्त राष्ट्र सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरस ने अजे भी कंट्रोल ना हो रहे करोना वायरस नाल निपटण विच अंतरराष्ट्रीय सहयोग दी घाट उत्ते चिंता प्रगट की सी। कोविड-19 तो बाद विश्व प्रशासन उत्ते वर्चुअल बैठक की स्थापना उत्ते चीन दे विदेश मंत्री वोंग यी ने सब तो पहला बोलदे यही कहा कि अजिहे चुनौतीपूर्ण समय विच मनुख जाति दे भविख नू तरजीह देण दी जिम्मेवारी वड्डे देशां उत्ते ज़्यादा है। ठंडी जंग दी मानसिकता अते विचारक मतभेदां नू छड्डीए अते कठिनाइयां तों उभरन लई भाईवाली दी भावना नाल अग्गे आईए। रूस, सीरिया अते होर देशां उत्ते एक तरफा पाबंदियां लगाउण लई अमरीका अते यूरोपी संघ ते निशाना साधदे होए उन्हां कहा कि अंतरराष्ट्रीय कानून नूं मानता देण अते पवित्रता दी रक्षा करन लई एक तरफा पाबंदियां दा विरोध करन दी लोड़ है। रूस दे विदेश मंत्री सरगेई लावराव ने कहा कि महामारी अते इस दे सांझी बदकिस्मती ने अंतरदेशी मतभेदां नूं खत्म नहीं कीता सगों होर डूंघा कर दिता है। इह सन अज दीआं खास खबरां। देश विदेश दीआं होर खबरां लई तुसी वेखदे रहो पंजाब मेल खबरां।